वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गुरु तेग बहादुर कर नित आए ताए सिखा दे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जन्म श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म एक अप्रैल सोलह सौ इक्की माता नानकी जी दी कुखों अमृतसर साहिब विखे गुरुद्वारा गुरु के महल दे स्थान ते होया आप जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे के अते सब तो छोटे सपुत्र सन परिवार श्री गुरु तेग बहादुर जी की सुपत्नी दा नाम माता गुजरी जी पुत्र का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी सी श्री गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम बहादुर चंद सी आप जी गुरु सब तो छोटे सपुत्र सन बचपन तो ही आप बहुत अडोल ਚਿੰਤ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੰਪੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰ ਆਪ ਕਈ ਕਈ ਕਾਂਟੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅਖਰੀ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕੀਤੀ 1634 ਇਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ पिता नान मिल के करतार पुल के युद्ध विच अपनी तलवार के जौहर विखाए अठवें गुरु हरिक्षण ने जी ने जोती ज्योत समा पेल संगतान को बकाला कह के गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गद्दी सौंपी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ 1665 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰੋ ना किसी डराओ सिर्म आप जी कुर्बानी देने तैयार हो गए जला दिन नवंबर सोलह सौ सो पचहत्तर ईस्वी आपदा सिर धड़ तो अलग कर दिता इस तरह आपने सिर दिता पर सिर ना दिता धनवाद वाहगुरु जी का खालसा vahig Ji Ki